बच्चे आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज के कुछ बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या है क्वाड्रेंट वगैरह अच्छे से जानने होंगे, क्या होते हैं क्वाड्रेंट और क्या चीज। ठीक, सबसे पहले किसी को क्लियर करेंगे क्या क्या क्वाड्रेंट में क्या है। ये है एक्स एक्सिस और ये है और यहाँ पे क्या क्वाड्रेंट एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या क्वाड्रेंट देखने कैसे क्या है। ठीक, ये इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये होता है, सेकंड तो ये थर्ड और ये क्या होते हैं क्वाड्रेंट। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर देखें यहाँ ये जीरो डिग्री, ये होता है कितना 90 डिग्री और ये होता है 180 डिग्री थीटा। और अगर हम आगे चले तो इसको क्या बोलेंगे 90 प्लस थीटा, मतलब कि अगर इसमें थीटा 90 में ऐड कर दें एग्जैक्टली ये कितने का है 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा और बढ़ा के मान लो 90 है हमारे पास और 5 डिग्री और बढ़ाना चाहें तो कितना 90 प्लस थीटा 95, तो ऐसे थीटा बढ़ाएंगे तो कितना थीटा। इसी तरह से इधर भी कितना हो जाएगा 180 माइनस के थीटा, यानी थीटा को माइनस करेंगे, अगर थीटा को प्लस किया तो इस क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं 180 प्लस के थीटा। सेम हियर 270 माइनस के थीटा एंड 270 प्लस के थीटा। ठीक, सेम हियर इधर भी क्या होगा 360 माइनस के थीटा और 360 प्लस थीटा, ये आपको और प्लस थीटा भी होता है, यहाँ भी माइनस थीटा भी होता है माइनस के, ये सभी क्वाड्रेंट होते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं कि साइन, इसमें तो सभी ऑल क्या होते हैं पॉजिटिव, सभी छह के छह साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा, सब के सब पॉजिटिव होते हैं, सभी के ऑल क्या होते हैं पॉजिटिव। और बचे हुए इस सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं कौन से साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दो कॉस नहीं कोसेक सॉरी कोसेक थीटा, ये दो पॉजिटिव होते हैं बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या टेन और कॉट, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो कॉस इनटू सेक क्या होते हैं सेक, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो इस टाइप से क्या ये पूरा क्वाड्रेंट बन जाता है कौन से पॉजिटिव, उनका अप्लाई कैसे करते हैं। इससे पहले एक चीज और बता दें कि ये जो लाइन होती है 90 डिग्री वर्टिकली जो लाइन है, वर्टिकली लाइन पर जो वैल्यू होती है वो होती है चेंज, वैल्यू होती है टोटल क्या है चेंज, चेंज का मतलब क्या है 270 माइनस थीटा हो 270 प्लस थीटा हो 90 प्लस थीटा हो 90 माइनस थीटा हो दोनों का वैल्यू क्या होगी चेंज। यही बता देते हैं चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज चेंज का मतलब होता है अगर साइन थीटा है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा है तो किसमें हो जाएगा साइन थीटा में, देन टेन थीटा है तो हो जाएगा कोट में टेन, और कोट है तो किसमें हो जाएगा टेन में, सेक थीटा है, सेक थीटा है तो किसमें चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक थीटा है तो किसमें हो जाएगा सेक, ये होगा चेंज का मतलब। ना ये जो लाइन है लेटी हॉरिजॉन्टली लाइन ये क्या होती है नो चेंज,
क्या होती है नो चेंज, ठीक पूरी लाइन पर क्या है नो चेंज, यानी 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा या फिर 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा दोनों पे क्या होता है नो चेंज, यानी नो चेंज का मतलब क्या होता है नो चेंज यानी कि साइन है साइन थीटा है तो किस में रहेगा साइन थीटा में ही, कोस थीटा है तो किस में रहेगा कोस थीटा में, टेन थीटा तो टेन थीटा में, सेक थीटा तो सेक थीटा में, कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा में, यानी नो चेंज जो भी वैल्यू है उसी वैल्यू रहेगी। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं, बस तुम्हें क्या रखना है यार, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू कोई आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट कब कब लगेगा 360 प्लस थीटा या 90 माइनस के थीटा, 360 प्लस थीटा या 90 माइनस के थीटा, इस पे आएगा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू हो सब क्या होती है नो चेंज, ठीक है क्या होती है मतलब सेम पॉजिटिव रहेंगी, मतलब यहाँ पे क्या है इस लाइन पे होंगी तो नो चेंज और इसमें क्या है सभी वैल्यू क्या है पॉजिटिव रहेंगी, यानी साइन कोस टेन सेम ईयर इधर देखेंगे तो क्या है अगर सेकंड क्वार्टर में 180 माइनस के थीटा और 90 प्लस थीटा दोनों हो तो इसे क्या बोलेंगे पॉजिटिव, मतलब और कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगी, बाकी की चार टेन कोट सेक कोसेक बाकी सब कैसे आएंगी नेगेटिव। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं किस टाइप से, देखो अप्लाई करते हैं यानी कि सबसे पहले क्वाड्रेंट आता है अपना 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस के थीटा यहाँ से यूज करते हैं तो 90 माइनस के थीटा ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके लिए पता है कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है ऑल पॉजिटिव है सभी सभी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सबसे पहले फॉर्मूले को साइन 90 माइनस के थीटा कोस 90 माइनस के थीटा टेन 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा और क्या अगला सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस के थीटा सभी के फॉर्मूले लिख लिए। और इसमें क्या है अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी वैल्यू कैसी होंगी पॉजिटिव। अब दूसरी चीज देखो इस पर इस लाइन 90 यही है तो इसमें चेंज हो रही है, चेंज हो रही है तो इसमें साइन कोस में कोस साइन में टेन कोट में कोट टेन में सेक कोसेक में कोसेक सेक में, तो यहाँ पर साइन क्या है किसमें चेंज हो जाएगा कोस में, तो क्या है कोस थीटा, कोस किसमें हो जाएगा साइन में साइन थीटा, टेन किसमें हो जाएगा कोट में कोट थीटा ये टेन थीटा कोसेक कोसेक थीटा और ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। सेम ईयर अगर हम आगे चले इसे नोट डाउन करना चाहो कर लो, ठीक है तो ये क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के, सेम ईयर का सेकंड क्वाड्रेंट के देखेंगे तो कितना होगा 90 प्लस के थीटा, 90 प्लस के थीटा देखो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे 90 प्लस थीटा प्लस 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 हो गए, तो अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट कौन कौन से साइन और कोसेक वैल्यू पॉजिटिव, तो इन्हें देखेंगे साइन की वैल्यू पॉजिटिव और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव, ये दोनों क्या रहेंगी पॉजिटिव बाकी सब कैसी रह जाएंगी नेगेटिव, ठीक है तो ये क्या है ये भी बने गए सेकंड क्वाड्रेंट के 90 प्लस थीटा वाले के सेकंड क्वाड्रेंट भी हो गया, ठीक है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट देखो क्या एक और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बता दिया सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा का हो गया, उसी टाइप से क्या है 180 माइनस के थीटा भी कैसे में आता सेकंड क्वाड्रेंट में, उसके लिए भी देखो कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी एक तो साइन की रहेगी और कोसेक की रहेगी, ये दोनों कैसी रहेंगी वैल्यू पॉजिटिव और बाकी सब रहेंगी नेगेटिव। अब देखेंगे 180 पे आ गया, 180 पे क्या होता है नो चेंज, क्या होता है नो चेंज, तो नो चेंज का मतलब साइन का साइन में रहेगा साइन का साइन थीटा कोस का कोस थीटा टेन का टेन थीटा और कोट का कोट थीटा सेक का सेक थीटा कोसेक का कोसेक थीटा बाकी ये क्या है नेगेटिव, दैट इज क्लियर, ठीक है ये सेकंड क्वाड्रेंट पूरा हो गया तुम्हारा। अब देखो क्या सेकंड क्वाड्रेंट के हो गए इस केस में कौन कौन सा साइन और कोसेक ऐसे सेम ईयर क्या है अब आगे चलेंगे तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसी को हम क्या कर देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और यहां का प्लस 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 और प्लस और प्लस, तो अब देखो क्या अब थर्ड क्वाड्रेंट कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है टेन थीटा और कोट थीटा, क्या होती है टेन थीटा और कोट थीटा
तो बाकी वैल्यू, अब देखो टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होती है, बाकी सब क्या होती है नेगेटिव, तो नेगेटिव होती है तो इसका मतलब क्या, ये नेगेटिव हो जाएंगी और ये नेगेटिव हो जाएगी, और टेन की वैल्यू कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, और कॉट की वैल्यू कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, बाकी सब कैसी रहेंगी ये नेगेटिव। ये भी क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, पूरा हो गया तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट का पहला। ठीक, सेकंड का 270 माइनस थीटा, कितना 270 माइनस थीटा। आगे देखो चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या है, 270 माइनस के थीटा, 270 माइनस थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन और कॉट कैसे रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव, तो टेन और कॉट को क्या कर दो पॉजिटिव, बाकी सब क्या है नेगेटिव, तो ये सभी क्या हो गए नेगेटिव, और नेगेटिव हो गए। दूसरी चीज देखो इसमें क्या, अब थर्ड क्वाड्रेंट करके देखो किस पे, अब 270 पे आ गए, 270 की लाइन ये कैसी है खड़ी हुई, मतलब वर्टिकल हो, वर्टिकल में क्या चेंज, चेंज वैल्यू होंगी तो साइन थीटा कॉस में, कॉट टेन कॉट में से कोसेक में, ये कितने हो जाएंगे साइन किस में हो जाएगा, साइन किसमें कॉस में, तो कॉस थीटा, और ये साइन थीटा, और टेन कॉट में तो कॉट थीटा, ये टेन में, और ये किसमें हो जाएगा कोसेक में, और ये हो जाएगा सेक में। ठीक है, इस टाइप से क्या ये हो गए। सेम ईयर का आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या हो गया, ये क्या है 270 प्लस थीटा, और 270 प्लस थीटा की बात करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा 270 प्लस थीटा, तो कौन कौन से पॉजिटिव है कॉस और सेक, तो कॉस और सेक की वैल्यू कैसी हो जाएंगी पॉजिटिव, और बाकी सभी कैसी हो जाएंगे नेगेटिव, और ये क्या चेंज तो होंगे चेंज क्यों, क्योंकि ये क्या है कौन सी खड़ी लाइन पर। आगे देखो क्या है 270 प्लस थीटा वाले, तो ये में क्या हो जाएगा प्लस 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 प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट का 270 प्लस थीटा, तो बाकी सब क्या है सेम, साइन थीटा किस में हो जाएगा कॉस में, कॉस किस में साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक है, ये क्या है फोर्थ, देखो और क्या है थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का एक और रह गया कौन सा 360 माइनस के थीटा, पीछे चलेंगे या फिर इसको क्या बोलते हैं खाली माइनस थीटा भी लिखा होगा जिस टाइप से, सेम ईयर साइन माइनस के थीटा, तब भी क्या फिर फॉर्मूला सेम फॉर्मूला होंगे, साइन माइनस के थीटा हो या साइन 360 माइनस के थीटा हो। ठीक, तो 360 माइनस का कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ, तो कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी कॉस और सेक, कॉस कितना है ये पॉजिटिव होगा और सेक है ये है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी कैसी होंगी नेगेटिव, और ये सभी नेगेटिव होंगी। अब वैल्यू देखो चेंज होगी नो चेंज, लाइन कौन सी है नो चेंज, तो कैसी होगी वैल्यू नो चेंज, नो चेंज का मतलब क्या है साइन का साइन रहेगा, और कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, और कोसेक का कोसेक, ऐसी सेम का साइन माइनस थीटा होगा माइनस के साइन थीटा, इस टाइप से वैल्यू आएगी बाकी तुम्हारी, और कॉस माइनस थीटा बराबर की माइनस क्या प्लस के कॉस थीटा हो जाएगा, सेम ही है, मतलब 360 माइनस थीटा लिखा हो खाली माइनस थीटा लिखा हो फॉर्मूला क्या होंगे सेम। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ये तुम्हारे फॉर्मूले हो गए खत्म, आगे चलते हैं तुम्हारी एक्सरसाइज की ओर। ठीक,